हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी, जिसे हम ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में या ढाबे पे खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम इसी रेसिपी को घर पे बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम्स पनीर लिया है और इनको हमने स्क्वायर टुकड़ों में काट लिया है। अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून दही, मैंने गाढ़ा दही लिया है, 1.5 टेबल स्पून बेसन, 1.5 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून गरम मसाला और 1.5 टी स्पून कसूरी मेथी, जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पनीर और पनीर को हल्के हाथ से मसालों के ऊपर मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तेल और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने को। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे पनीर जो हमने मैरिनेट करके रखा है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर को हमने अच्छे से भून लिया है और इन्हें हमने लगभग 2-3 मिनट ही भूना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड पनीर नहीं पसंद है। अगर आपको थोड़ा और क्रंची पसंद है तो आप इन्हें थोड़ा और देर तक भून सकते हैं। तो अब हम इस पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो तेल बचा है, इसी में हम प्याज को फ्राई करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिन्हें हमने स्क्वायर टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम इनमें इस तेल में डालेंगे और बस हमें एक बार इन्हें अच्छे से तेल में मिक्स कर देना है और निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक हम प्याज को नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमें प्याज का क्रंचीनेस बनाए रखना है। बस एक बार तेल की कोटिंग ऊपर अच्छे से हो जाए और हम इस प्याज को निकाल लेंगे। लगभग 1 मिनट हो गए हैं और देखिए पूरे प्याज पे तेल की कोटिंग अच्छे से हो गई है। अब हम प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर और 2 टेबल स्पून तेल। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 1.5 इंच लगभग दालचीनी का टुकड़ा और 4 छोटी इलायची। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं या इसे बारीक टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। और प्याज को हम 1-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और पूरे मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं और प्याज भी अच्छे से भून गई है। प्याज ने तेल छोड़ दिया है और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है और इसे हम डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, लेकिन ध्यान से डालें, क्योंकि हमने पनीर को मैरिनेट करने में भी नमक का यूज़ किया है। नमक को मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे, जिससे टमाटर जल्दी से पक जाएंगे। लगभग 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं और टमाटर भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च कड़वी नहीं होती है, लेकिन इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए लाल मिर्च ज़्यादा डालते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से काट लिया है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्च आप और ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्का सा भून लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर फिर से इन्हें पका लेंगे, जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं।
ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमारे पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे, इन्हें इसमें डालेंगे। पनीर को मसालों के साथ हल्के हाथ से मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखा है। बहुत तेज़ गैस की फ्लेम को न रखें क्योंकि मसाले फिर जल जाते हैं और टेस्ट फिर उतना अच्छा नहीं आ पाता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने लगभग 1.5 कप पानी डाला है इसमें और हल्के हाथ से पानी को मसाले में मिलाएंगे। इसे ढक देंगे और फिर से 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं और अब हम देखते हैं हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है और इसकी ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी, इसे डाल देंगे। इस सब्ज़ी में प्याज को हम दो अलग अलग तरह से और अलग अलग स्टेजेस पे डालते हैं, इसलिए इसे पनीर दो प्याज़ा कहा जाता है। प्याज को मिक्स कर देंगे और इसी समय पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी हरी धनिया, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक बार फिर से ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए फिर से इन्हें पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और चलिए हम सब्ज़ी को खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, बहुत प्यारी लग रही है। तो चलिए अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर दो प्याज़ा बनकर तैयार है। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया रखकर हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है खाने में भी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी है। और इसे जब आप बना लेंगे तो इसे ये आपको रेस्टोरेंट या किसी भी ढाबे से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। And thank you.